और अब बात करते हैं भोपाल की, जहां चार बहनों के इकलौते भाई ने सुसाइड कर लिया है। वह प्राइवेट स्कूल में 12वीं कॉमर्स का छात्र था। उसके पिता को ऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं। माँ बुधवार शाम को कपड़े उठाने के लिए छत पर गई थी। यहाँ बने कमरे में बेटा फंदे पर लटका मिला। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। गुरुवार दोपहर पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजन को सौंप दिया है। पड़ोसियों के मुताबिक उसके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन वह माँ के फोन में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। अयोध्या नगर के भवानी धाम में मुकेश शर्मा परिवार के साथ रहते हैं। वह मूलतः इटारसी के रहने वाले हैं। उनकी चार बेटियां और 16 साल का बेटा तनिष्क था। पिता ने बताया कि बुधवार शाम वह ऑफिस में थे। तनिष्क की माँ सो रही थी। शाम करीब 4 बजे वह कपड़े उठाने के लिए छत पर गई तो यहाँ ऊपर बना कमरा बंद था। ये कमरा तनिष्क का है, लेकिन ज्यादातर खुला रहता है। कमरा बंद होने पर मां ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की से अंदर झांक कर देखा। अंदर तनिष्क फंदे पर लटका देख कर वह घबरा गई। उन्होंने तुरंत बेटियों और पड़ोसियों को बताया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई है। जांच के दौरान मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। फिलहाल कारण का खुलासा नहीं हो सका है। घटना के बाद माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। तनिष्क के पिता का कहना है कि वह काफी समझदार था। उसे मैंने या उसकी माँ ने कभी नहीं डांटा। वह सबका लाडला था। बहनें भी उसे खूब प्यार करती थी। 6 अगस्त को परिवार वैष्णो देवी जाने वाला था, जिसे लेकर तनिष्क उत्साही भी था। बुधवार सुबह भी हम दोनों जिम भी जाकर, इस दौरान उसने कहा कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो पापा ने कहा ठीक है। शाम 4:45 बजे ऑफिस में पड़ोसियों का फोन आया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी गई छत पे, तो देखा ये अलग इसका दरवाजा क्यों बंद है, तो खुला रहता है ऊपर वाले कमरे का। उन्होंने धक्का है तो दरवाजा खुला ही नहीं। बोलने के लड़का बंद करके क्या कर रहा है। फिर उन्हें खिड़की में झाँका, देखा तो लड़का वो मेरे तो पैर के नीचे जमीन निकल गई। कभी सोचा नहीं था कि बच्चा खुद ही इतना स्ट्रांग था, अपने ऐसी स्ट्रांग बातें करता था कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। बच्चों को अपने पापा का सहारा बनना चाहिए, बच्चों को अपनी माँ की देख रेख करना चाहिए, बहनों की देख रेख करना चाहिए।